आज इस वीडियो में मैं आपको शॉपिफाई के बारे में बताने वाला हूँ कि शॉपिफाई क्या है और ये कैसे काम करता है। आप इसमें अपने बिजनेस के लिए एक अच्छी और बड़ी वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। सो बेसिकली ये वीडियो शॉपिफाई के ओवरव्यू के बारे में होने वाली है कि इसमें कौन कौन से फीचर्स होते हैं और आप इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। सो बेसिकली शॉपिफाई इज अ CMS फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट जिसमें आप अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट बना सकते हैं और इसे पूरी तरह से खुद से मैनेज कर सकते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से बैकएंड मैनेजेबल होती है। बात करें शॉपिफाई की यूज की कि इसे यूज कैसे कर सकते हैं। शॉपिफाई को यूज करना बहुत ही आसान है। इसमें आपको वर्डप्रेस और बाकी वेबसाइट की तरह होस्टिंग और सर्वर को मैनेज करने की टेंशन नहीं होती है जो कि मेरे हिसाब से सबसे अच्छी बात है। शॉपिफाई को यूज करने के दो तरीके हैं। एक तो आप शॉपिफाई की वेबसाइट पर जाके 14 दिन का फ्री ट्रायल वाला एक्सेस ले सकते हैं जिसमें आपको 14 दिन तक फ्री डेवलपमेंट करने का मौका मिलता है। तो वहीं दूसरी तरफ आप शॉपिफाई पार्टनर्स पर भी अपना अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ पर आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है अपनी वेबसाइट को बिल्ड करने का। आप जितने दिन तक चाहें यहाँ पर अपनी वेबसाइट को फ्री में बिल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ टू क्रिएट अ शॉपिफाई वेबसाइट। तो इसके लिए हम शॉपिफाई पार्टनर का यूज कर रहे हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट shopify.com पर भी जाकर अपना अकाउंट बनाकर वहां पर भी अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, लेकिन हमने चूज किया है Shopify पार्टनर्स। तो सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। यहाँ पर होम, स्टोर, रेफरल्स का ये सब का ऑप्शन आ रहा है। हम स्टोर पे क्लिक करेंगे। स्टोर पर क्लिक करते ही आप यहाँ पे देख रहे हो ऑल डेवलपमेंट और मैनेज का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। तो अभी हमारे पास एक ही डेवलपमेंट स्टोर है क्योंकि हमने एक ही बनाया हुआ है। तो अभी आप चाहो तो यहाँ से और भी डेवलपमेंट स्टोर को ऐड कर सकते हो। एक्शन क्लिक करके आप इसकी ऑनरशिप, ट्रांसफर ऑनरशिप भी कर सकते हो। आप किसी को ट्रांसफर भी कर सकते हो। तो जो हमने अपना डेवलपमेंट स्टोर बनाया हम उस पर चलते हैं। जैसे ही हमारा डेवलपमेंट स्टोर खुलता है तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। ये बेसिकली हमारा बैकएंड का डैशबोर्ड है। यहाँ पर होम है, यहाँ पे सारे आपको चीजें दिखेंगी। उसके बाद हम आते हैं ऑर्डर्स पे। तो ऑर्डर्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सारे ऑर्डर्स दिख जाएंगे जो भी आपके ऑर्डर्स आए हुए होंगे। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स की। तो प्रोडक्ट में आपको आपके सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। यहाँ पर आप ऐड टू योर प्रोडक्ट करके आप अपने सारे प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे कलेक्शन है, इन्वेंट्री है, परचेज है, ट्रांसफर है, तो ये सारी चीजें भी हैं। Shopify प्रोडक्ट लिस्टिंग के बारे में बहुत जल्दी वीडियो आएगी जहाँ पर आप देखेंगे कि प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे होती है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कस्टमर के ऑप्शन पे। तो कस्टमर के ऑप्शन पे यहाँ पर आप देख सकते हो जितने भी कस्टमर होंगे वहाँ पर आपके शो हो जाएंगे। उसके बाद कॉन्टेंट है, यहाँ पर मेटा ऑब्जेक्ट्स है, फाइल्स है। तो यहाँ पर फाइल्स के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके जितने भी इमेजेस होंगे वो शो हो जाएंगे। उसके बाद आता है एनालिटिक्स, यहाँ पर आपके सारे एनालिटिक्स शो होंगे। जो भी आपके ट्रैफिक्स आएंगे यहाँ पे टोटल सेल, सेल बाय चैनल, ऑनलाइन स्टोर सेशन और ऑनलाइन कन्वर्सेशन रेट, तो ये सारे आपके यहाँ पे टोटल ऑर्डर्स और एवरेज ऑर्डर यहाँ पे सारे शो होंगे। नेक्स्ट है मार्केटिंग। मार्केटिंग पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि मार्केटिंग से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पर शो हो जाएंगी आपको। ऑनलाइन स्टोर सेशन और ऑनलाइन स्टोर कन्वर्जन रेट, इस तरह की चीजें यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जो भी आपके प्रोडक्ट का डिस्काउंट आपको क्रिएट करना होगा वो यहीं से आप डिस्काउंट को क्रिएट कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप कितना डिस्काउंट देना चाहते हैं किसी प्रोडक्ट पे। नेक्स्ट है हमारा सेल्स चैनल। सेल्स चैनल पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपके सारे सेल्स चैनल यहाँ पर, जैसे कि ऑनलाइन स्टोर है हमारा, तो ये ऑनलाइन स्टोर हमारा खुलेगा। तो ऑनलाइन स्टोर पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ऑनलाइन स्टोर यहाँ पर खुल जाएगा। यहाँ पर आपके सारे थीम्स होंगे, डॉन थीम, एक ही थीम है अभी हमारे वेबसाइट पे। आप चाहो तो यहाँ से नई नई थीम्स को ऐड कर सकते हो अपने वेबसाइट में। अभी हमने अपनी थीम्स को, डॉन थीम को ऐड किया हुआ है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट है, आप यहाँ से अपने सारे ब्लॉग्स को ऐड कर सकते हो। फिर यहाँ पे पेजेस हैं, आप सारे पेजेस को बना सकते हो। कॉन्टेक्ट का पेज यहाँ पे बना हुआ है। नेविगेशन, आप अपने वेबसाइट के नेविगेशन को आप ठीक कर सकते हो यहाँ से, उसकी पोजिशनिंग को ठीक कर सकते हो और मेन्यू क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आते हैं प्रेफरेंस पे। प्रेफरेंस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप होम पेज का टाइटल डिसाइड कर सकते हो, मेटा ऑब्जेक्ट, मेटा डिस्क्रिप्शन आप डिसाइड कर सकते हो यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर अपने पेज का टाइटल वगैरह, सोशल शेयरिंग,
इमेज लगा सकते हो। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं गूगल एनालिटिक्स से जुड़ी हुई, और यहाँ पर आप अपने वेबसाइट का पासवर्ड वगैरह भी, जब डेवलपमेंट प्रोसेस में होता है वो, तो आप यहाँ पे अपने वेबसाइट का पासवर्ड भी डाल सकते हो। नेक्स्ट है हमारा एप्स। तो एप्स सेम, अगर कभी आपने वर्डप्रेस यूज किया होगा तो वहां पर आप प्लगइन्स को देखोगे, तो प्लगइन्स की मदद से आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को और भी अच्छा बना सकते हो। तो सेम चीज एप्स शॉपिफाई में काम करती है, वो एज अ प्लगइन काम करती है यहाँ पर। तो आप जैसे ही ऑल रिकमेंडेड एप्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको रिकमेंडेड ऐप शो हो जाएंगे, जो कि शॉपिफाई आपको रिकमेंड कर रहा है कि आप अपने वेबसाइट में यूज करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितने सारे ऐप्स हैं, आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बारे में भी हम आपको जल्दी से एक डिटेल वीडियो जरूर बनाकर दिखाएंगे। नेक्स्ट है हमारा सेटिंग। तो सेटिंग पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको स्टोर डिटेल्स दिख जाएंगे। यहाँ पर आप बहुत सारे अपने डिटेल्स देखोगे, बिलिंग इन्फॉर्मेशन, स्टोर करेंसी वगैरह, आप इस तरह के इन्फॉर्मेशन को यहाँ से चेंज और उसको डाल सकते हो। यहाँ पे प्लान है, नेक्स्ट हमारा बिलिंग है, यूजर परमिशन है, पेमेंट है, चेकआउट है और कस्टमर अकाउंट है। तो इन सारी चीजों के बारे में भी एक डिटेल वीडियो जल्दी आने वाला है, आप उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो उसके बाद हम आते हैं अपने मेन चीज ऑनलाइन स्टोर पे। जैसे आप ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करोगे तो अभी आप देख सकते हो कि हमारी वेबसाइट पे एक डाउन थीम लगी हुई है। तो जैसे ही आप यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करोगे तो आप प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा। तो ये है हमारी एक डेमो वेबसाइट जो कि हमने थीम ऐड की हुई है। आप इसमें अपने नए नए सेक्शन को ऐड कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। बस आपको कस्टमाइज के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जहाँ पर आप अपने वेबसाइट के लिए सेक्शन को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ऐड सेक्शन पर क्लिक करके आप नए नए इमेज विथ टेक्स्ट के बैनर लगा सकते हो यहाँ पर, उसके बाद रिच टेक्स्ट डाल सकते हो कुछ भी, और उसको आप चेंज भी कर सकते हो बड़े ही आसानी से यहाँ से, ब्रांड विथ फॉर क्लॉथ्स, जो भी आपको यहाँ पर लिखना हो आप उसे यहाँ से चेंज कर सकते हो। उसके बाद नए सेक्शन पर आते हैं तो यहाँ पे आप स्लाइड शो लगा सकते हो, और उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन को अगर हम ऐड करते हो ईमेल साइनअप का भी एक ऑप्शन डाल सकते हो आप। इतना कुछ करने के बाद आपको बस यहाँ से इसको सेव करना है। जैसे ही आप सेव करोगे उसके बाद हम अपनी वेबसाइट के फ्रंट एंड पे चलते हैं। जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करोगे तो आप देखोगे कि वो सारे सेक्शन यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। तो इतना आसान है अपनी वेबसाइट को शॉपिफाई में बनाना। अब बात करते हैं शॉपिफाई के प्राइसिंग के बारे में। तो उसके लिए आपको प्राइसिंग के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पर आप देखोगे कि शॉपिफाई का ये बेसिक जो प्लान है वो 1994 का होता है, जिसमें आपको बेसिक चीजें मिलती हैं, टू स्टाफ अकाउंट मिलता है और आप इसे फ्री में भी ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद एक शॉपिफाई का बिजनेस प्लान आता है जो कि 7447 का आता है, वो पर मंथ के लिए होता है। उसके बाद एडवांस प्लान भी आता है जो कि 30,000 के आसपास होता है, वो भी पर मंथ के लिए होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बेसिक प्लान के साथ जाएं, या तो अगर आपने अभी बिजनेस शुरू नहीं किया, सिर्फ अगर आप डेवलपमेंट के लिए यूज कर रहे हैं तो आप शॉपिफाई पार्टनर के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। सिर्फ बनाने के पर्पज से और सिर्फ सीखने के पर्पज से भी अगर आप कर रहे हैं तो आप पार्टनर पोर्टल का यूज करके आप अपने स्टोर को बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप शॉपिफाई के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताइए कि आप इसके बारे में क्या और जानना चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी प्रोडक्ट लिस्टिंग के ऊपर आने वाली है, तो मेक श्योर आप उसे भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। थैंक यू।